मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अनुच्छेद 370 की वजह से सरकारी योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं हो पा रही थी। इसीलिए लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी मोदी सरकार ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बन रहे अनुच्छेद 370 को ही हटा दिया और राज्य को दो हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र शासित राज्य होने की वजह से दोनों ही राज्यों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होगी और ये जिम्मेदारी संभालने के लिए दो पूर्व आईपीएस अधिकारियों की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक है साउथ के सिंघम कहे जाने वाले विजय कुमार और दूसरे अधिकारी है दिनेश्वर सिंह। वीरप्पन को ढेर करने वाला सिंघम, एक समय था जब साउथ के जंगलों में खूंखार चंदन तस्कर वीरप्पन का राज चलता था, जिसे जंगलों में आतंक रोधी अभियान चलाने में माहिर विजय कुमार ने ही जहन्नुम में पहुंचाया था। साल 2004 में एक मुठभेड़ के दौरान वीरप्पन के खौफ का खात्मा करने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय कुमार तमिलनाडु कैडर के 1975 बैच के आईपीएस है। विजय कुमार ने 1998 से 2001 तक बीएसएफ के आईजी के तौर पर कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दी हैं। उस दौरान घाटी में आतंकरोधी अभियान चलाए जा रहे थे। वहीं 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 75 जवानों के शहीद होने के बाद विजय कुमार को सीआरपीएफ के महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई थी। हर मिशन पर जी जान लगा देने वाले विजय कुमार जब सीआरपीएफ डीजी बनाए गए तो नक्सल इलाकों में जल्द ही इसका असर देखने को मिला और नक्सली गतिविधियों में भारी कमी आई थी। विजय कुमार इस वक्त मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार के तौर पर जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है। डोभाल के साथी दिनेश्वर शर्मा, पूर्व आईपीएस विजय कुमार के अलावा एनएसए अजीत डोभाल के साथ काम कर चुके दिनेश्वर शर्मा का नाम भी जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के लिए सबसे आगे है। मोदी सरकार के मिशन कश्मीर में दिनेश्वर शर्मा की भी बड़ी भूमिका है। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में आईपीएस अधिकारी दिनेश्वर शर्मा को पिछले साल जम्मू कश्मीर में शांति प्रक्रिया के लिए सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया था। साल 2008 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके दिनेश्वर शर्मा केरल कैडर के 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें अलगाववाद और उग्रवाद से लेकर घरेलू व क्षेत्रीय राजनीति की समस्याओं से निपटने का अनुभवी माना जाता है। वो पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियों में शीर्ष पदों पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो केरल खुफिया ब्यूरो में एसएसपी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख के तौर पर उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी महारत हासिल की। साल 1999 से 2003 तक सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी रहे शर्मा साल 2003 से 2005 के बीच खुफिया ब्यूरो में जॉइंट डायरेक्टर का पद भी संभाल चुके हैं। इसके बाद उन्हें सीआरपीएफ का आईजी बनाया गया। इस दौरान वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे। उन्हें पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, इजराइल और दक्षिण कोरिया में जासूसी का प्रशिक्षण लेने का भी मौका मिला। दिनेश्वर शर्मा और विजय कुमार, इन दोनों अधिकारियों में से किसी एक को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि दोनों ही अधिकारी जम्मू कश्मीर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं।